पेयजल व्यवस्था पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद। उदयपुर जिले की मावली तहसील, जहाँ से मैं, मुझे जो वहाँ की जनता ने मौका दिया यहाँ पहुँचाने के लिए, आपसे निवेदन करूँ इस सदन में दो अध्यक्ष मावली विधानसभा से रहे हैं और इसीलिए मेरा भी गर्व है कि मैं इस सदन का सदस्य बना। मुझे तो कहा है, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले वर्ष मावली तहसील में पानी की भयंकर समस्या थी, उनके पास गया ना तुरंत मेरे कुछ हैंडपंप और कुछ पानी की योजना उन्होंने स्वीकार कर ली, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। 7-7 मिनट दे रहे मावली तहसील में, बाकी सबको 7-7 मिनट ही दे। 1956 में कॉपरेट करो यार, मैं सदन की सब बैठकों में इस बात की मांग कर चुका, 7-7 मिनट दे रहे हैं। 1956 में बागोलिया डैम बना और वो 15 वर्ष से पानी के बिना तरस रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, उदयपुर का उदय सागर, वहां से पानी जाता है और हमारी ऐसी इच्छा थी कि बागोलिया की DPR बन गई है, उदय सागर का पानी बहता बहता बिसलपुर तक जाता है और मेरी प्रार्थना है कि आप उस पानी को डाइवर्ट करके नहर के माध्यम से 56-57 करोड़ की योजना है वो, उस पानी को स्कीम को स्वीकार करके बागोलियों को भरने की व्यवस्था करें। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, मेरे मावली क्षेत्र में आमली पंचायत में 3.5 करोड़ का फिल्टर प्लांट बना हुआ है, वहां के आसपास के 5 गांव में पानी सप्लाई होना था, 1 गांव में पानी सप्लाई हो रहा है। पुराने अधिकारियों ने जब वो स्कीम बनी तो लोहे के पाइप की बजाय सीमेंट के पाइप डाल दिए और वो पाइप धस गए, उसका कुछ नहीं हुआ। सभापति महोदय, मावली क्षेत्र में अनेक टंकियां बनी हुई है, साकरोदे की टंकी 20 साल से बनी हुई है, 1 बाल्टी पानी कभी नहीं आया उसमें। सवणिया गांव की टंकी बनी हुई है, सरे गांव में 4 टंकियां बनी, चारों में पानी का पता नहीं, 1 टंकी से पानी की सप्लाई चल रही है, 3 टंकियां ऐसे बड़ी, अधिकारियों का पानी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अधिकारियों को टंकी में थोड़ा ज्यादा मिलता होगा। स्कीम का पता नहीं, पानी कहां से ऐसा आएगा इसका पता नहीं। ऐसे ही आपको आश्चर्य होगा, मैं फतेहनगर गया, राजस्थान की बड़ी मंडियों में फतेहनगर मंडी है, वहां पानी की टंकी जर्जर हालत में, 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं उस टंकी की रिपेयर हो जाए। जब मैंने टंकी के पास गए, वहां कुछ लोगों को बुलाया कि भाई टंकी की रिपेयर हो गई, 1,69,000 रुपए टंकी के रिपेयर के स्वीकृत हो गए, पैसा उठा लिया। वहां जाके मैंने पूछा टंकी की सफाई हुई, रिपेयर हुई क्या, तो वहां लोगों ने कहा हाँ, एक दिन 4 मजदूर आए थे और झाड़ फूंक करके कचरा साफ करके चले गए, कोई सफाई नहीं हुई। उस अधिकारी ने मेरे से माफी मांगी, मेरे से गलती हो गई है, हालांकि अधिकारी को आपके माध्यम से आपने उसको सजा भी दी, इधर उधर उसको कर दिया। फतेहनगर में इंडस्ट्री एरिया में टंकी बनी हुई है, वो भी ऐसे पड़ी हुई है, लोग उसके लिए परेशान हो रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक, जिसने मानसी वाकल योजना के लिए पैसा दिया था, 31 दिसंबर 2020 को उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया, वो लाइन पड़ी हुई है दरीबा जाने की। मेरी आपसे प्रार्थना है उस लाइन से मावली तहसील में पानी सप्लाई प्रारंभ की जाए स्कीम बना करके, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के कारण हमारी 10-11 पंचायतें हैं, वो पानी न तो मवेशी पानी पी सकते हैं, वहां की जमीन खराब हो गई है। हिंदुस्तान जिंक कोशिश कर रहा है कि वहां पर उन्होंने आरओ प्लांट लगाए हैं, अभी 4 दिन पहले मैं 7 आरओ प्लांट का उद्घाटन करके आया हूं, उन्होंने उनकी तरफ से पूरी कोशिश है वो कर रहे हैं। मानसी वाकल जो बांध है, 60 के दशक में माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया इस सदन के नेता थे, उनका सपना था, उन्होंने वो स्कीम बनाई और 4 फेज 4 जगह वो डैम बनेंगे, उस समय 300 करोड़ की योजना थी, आज करोड़ों उसके चले गए और 2 फेज अभी भी उसके बाकी 2 फेज नहीं बने। अब सुखाड़े जी के जाने के बाद क्या परिस्थितियां बनी,
मैं उन परिस्थितियों में जाना नहीं चाहता हूं। उसके बाद भैरव सिंह जी ने एग्रीमेंट किया हिंदुस्तान जिंक के साथ, वो डैम बना। उदयपुर शहर में 2051 तक 2600 MCFT पानी की आवश्यकता रहेगी। मावली में आज भी निजी कुआं और टैंकर से पानी की सप्लाई चालू हो गई है। मेरा आपसे सुझाव है, पानी की कमी पूर्ति करने के लिए देवास फेज सेकंड और थर्ड और फोर्थ उसकी स्वीकृति प्रदान की जावे। उसकी DPR भी तैयार है, 1990 में उसकी DPR बन गई है। 2 मिनट में समाप्त है। माननीय सभापति महोदय, मुझे 2 मिनट ही हुए हैं अभी। मेरी प्रार्थना आपसे, मुझे मेरी बात पूरी रखने दे। देवास थर्ड और फोर्थ फेज का 2013 में कार्यालय खुल गया, स्टाफ भी है, कर्मचारी भी है, और स्टाफ और कर्मचारी फालतू बैठे हुए हैं। अभी स्थिति उनकी है, जब बाढ़ आती है बाढ़ नियंत्रण उनको लगा देते हैं। एक स्कीम हमारी बिरोटी नाका, आपको आश्चर्य होगा, बिरोटी नाका अगर बनता है, बिरोटी नाके की सर्वे हो गई, उसकी भी DPR बनी है। बिरोटी नाका अगर बनता है तो उदयपुर का बहुत बड़ी समस्या, जिसका पानी ग्रेविटी से जैसमंद भी जाता है, राजसमंद भी जाता है, और वो पानी वेस्ट होकर गुजरात जा रहा है। एक स्कीम उसी बनी, वहां पर खाचन की पुलिया क्या, क्योंकि बिरोटी के लोगों ने विरोध किया, वो लोग कहां जाएंगे अगर डैम बन गया, डूब में आ जाएगा, तो नई स्कीम बनी और वहां खाचन की कोटला के पास में, खाचन की पुलिया के पास उसकी स्कीम बनी। फिर एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसमन टनल से, परंतु ये सब स्कीम होने के बाद जवाई बांध में पानी के लिए श्री अशोक खंडार जोधपुर द्वारा, जोधपुर से अधिकारी आए। मेरी 1 मिनट की बात सुन लीजिए आप, 1 मिनट के अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 1 मिनट की मेरी बात है। जवाई बांध में पानी डालने के लिए एक स्कीम बनी और उसका भी सर्वे हुआ, परंतु उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, हिंदुस्तान जिंक को जो पानी दिया जा रहा है, वो पानी अभी बंद हो गया है, मावली क्षेत्र में पानी की स्कीम बना के उस पानी की सप्लाई की जाए। फिर उदयपुर शहर में वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से UIT पैसा लेती है, करोड़ों लाखों रुपए लोगों से ले लिए, 1 रुपया कहीं UIT में ना तो मॉनिटरिंग है, ना ही कोई पैसा लगाया है। एक अंतिम बात मेरी निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं, माननीय गुलाब सिंह जी सकता होते, उन्होंने वल्लभ नगर के लिए माही बांध का पानी जाखम के नीचे नागलिया डैम है, उसमें ग्रेविटी से आएगा, और नागलिया डैम का पानी वल्लभ नगर, वल्लभ नगर का पानी मावली, और मावली का पानी राजसमंद में जाएगा। अगर ये स्कीम भी पास हो जाती है तो मेवाड़ के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। अशोक खंडार। सभापति महोदय, पेयजल की मांग संख्या 27 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। इस बार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय